गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल्स चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट आज हम लोग पढ़ेंगे, चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1। एंड बिफोर वी स्टार्ट पॉलिनोमियल्स, वी मस्ट नो अबाउट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो होता क्या है। आप देख सकते हैं, कॉन्स्टेंट इंटू वेरिएबल टू द पावर रेशनल नंबर इज इक्वल टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब ये कॉन्स्टेंट इंटू वेरिएबल टू दी पावर रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर यहाँ पर आपका डिग्री में देखिए यहाँ पर होगा, और रेशनल नंबर क्या है, यहाँ पर आपका डेसिमल पार्ट्स में भी आ सकता है और आपका फ्रैक्शन में भी आ सकता है, होल नंबर्स भी हो सकते हैं, इंटीजर्स भी हो सकते हैं, वो सारे आपके यहाँ पर वेरिएबल के पावर में हो सकते हैं और इंटू कॉन्स्टेंट। अब आप सोच रहे होंगे कि सर कॉन्स्टेंट और वेरिएबल क्या होते हैं, तो कॉन्स्टेंट और वेरिएबल के बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। तो कॉन्स्टेंट के बारे में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कांस्टेंट आपके क्या होते हैं। तो कांस्टेंट को आप ध्यान से देखिएगा, मैंने एक एग्जांपल यहाँ पर कुछ शो करता हूँ। जैसे मैंने ले लिया 5x, कि ये जो 5 देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो 5 देख रहे हैं, ये 5 आपके क्या है, ये आपके कांस्टेंट है, और यहाँ पर जो x है, ये जो आप x देख रहे हैं, ये आपके क्या है, ये आपके वेरिएबल है। ठीक है बच्चों, 5 जो है वो कांस्टेंट क्यों है और x आपका वेरिएबल क्यों है, इसको भी जानना आपका जरूरी है कि आपके कॉन्स्टेंट और वेरिएबल आपके क्यों हैं। तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि ये जो कॉन्स्टेंट आप देख रहे हैं, ये आप इसको बोलते हैं हम लोग फिक्स्ड वैल्यू, ये आपका जो है फिक्स्ड वैल्यू या फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, ये आपका फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू हो गए, और ये आपके जो है, ये आपके क्या होंगे, डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, न्यूमेरिकल वैल्यू, ये शॉर्टकट आपका जो है, मैंने एक डिफिनेशन आपके लिए बनाया है ताकि आप लोगों को याद रहे कि कांस्टेंट इनटू वेरिएबल टू द पावर रेशनल नंबर इज इक्वल टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। और हम लोग जानते हैं कि रेशनल नंबर किस तरह से हो सकते हैं, रेशनल नंबर हम लोगों का 1/2 हो सकता है, -1 हो सकता है, -1/5 हो सकता है, तो ये इस तरह का रेशनल नंबर हो सकता है, डेसिमल में भी हो सकते हैं, पर डेसिमल में आपका रेशनल नंबर होंगे नहीं यहाँ पर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, बट ये हो सकते हैं। मैंने लिखा रेशनल नंबर के बारे में, और रेशनल नंबर के बारे में आप पढ़े भी होंगे, होल नंबर्स ये सारे जो है वो हम लोगों के क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे, इस तरह से कुछ भी हो सकते हैं। जैसे मैं और एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे 6 है आपका पावर 3/2 एंड प्लस 2x आपका 3 या -3 मैंने लिख दिया, तो ये भी आपके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही कहलाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये सारे आपके जो है क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो अब आपको कांस्टेंट और वेरिएबल का मैं फाइनली डिफिनेशन में भी बता देता हूँ कि आपका डिफिनेशन क्या है। तो ध्यान से देखिए, अब देखिए यहाँ पर कांस्टेंट आपका क्या हो गया, ए सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है बच्चों, एक सिंबल जिसके न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो आपके फिक्स्ड होंगे, जैसे कि मैंने दिखाया कि वो आपके जो है वो फिक्स्ड है। जैसे कि देखिए यहाँ पर ये वैल्यू जो है वो आपका फिक्स्ड है, ये कभी भी चेंज नहीं होंगे। और यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये वेरिएबल क्या होंगे, कि सिंबल व्हिच मे बी असाइन डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू, जो न्यूमेरिकल डिफरेंट वैल्यू, यहाँ पर देखिए डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू, यहाँ पर x है, वेरिएबल है, यहाँ पर क्या होगा, पर्सन टू पर्सन आपके जो है वैल्यू जो है वो चेंज हो सकते हैं। मैं एक एग्जांपल यहाँ पर आपको देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए, है ना। तो एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाता हूँ ताकि आपको अच्छा से समझ में आएगा। अब सपोज कीजिए कि 100 मार्क्स का आप एग्जाम दे रहे हो, ये 100 मार्क्स का आपका मैथ्स पेपर है, ये आप मैथ्स का पेपर दे रहे हैं, ये आपके 100 मार्क्स के हैं। अब इसमें क्या है कि सारे बच्चे स्टूडेंट के, एक 60 स्टूडेंट ने एग्जाम दिया। अब यहाँ पर 60 स्टूडेंट ने जो एग्जाम दिया वो आपके क्या होंगे, यहाँ पर 100 मार्क्स के ही एग्जाम देंगे, ये मार्क्स जो है वो सभी के लिए चेंज नहीं होंगे, ये आप क्या होंगे, ये 100 जो है वो सभी के लिए होंगे। लेकिन जब आपके ऑप्टेन मार्क्स आएंगे, यहाँ पर जो ऑप्टेन मार्क्स आएंगे, यहाँ पर मैं अगर लिख दूं ऑप्टेन मार्क्स, तो ऑप्टेन मार्क्स जो है उसमें आप कोई भी नंबर राइट नहीं कर सकते, क्योंकि ये वेरी करेगा, पर्सन टू पर्सन, स्टूडेंट टू स्टूडेंट जो है, ये मार्क्स, ऑप्टेन मार्क्स जो है, ये आपके क्या हो जाएंगे, वेरी करेंगे। ठीक है ना, कोई 30 मार्क्स ला सकता है, कोई 60 ला सकता है, कोई आपका 70 ला सकता है, कोई आपका 100 में 100 ला सकता है, तो इस तरह के मार्क्स आपके जो है वो क्या होंगे, स्टूडेंट टू स्टूडेंट चेंज हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग वेरिएबल कहते हैं, और इसको हम लोग किसी भी अल्फाबेट लेटर से
हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि आप एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वाई से, जनरली हम लोग एक्स वाई जेड जो है उसी से रिप्रेजेंट करते हैं, या ए बी सी किसी से भी रिप्रेजेंट आप कर सकते हैं। ये सब आपके जो है वो क्या होंगे, ये सब हम लोगों के वेरिएबल को ही रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि कॉन्स्टेंट और वेरिएबल क्या होते हैं। अब देखिए वेरिएबल क्या है, असेंबल विच मे बी असाइन डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू। केवल वीडियो में बने रहे और अच्छा लगे तो लाइक जरूर हिट कर दीजिए, कम से कम जो है वो 50 लाइक हमको मिलना चाहिए, मैं ज्यादा नहीं 50 लाइक से आप। ठीक है बच्चों, और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और कुछ अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। आप कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा जो प्रेजेंटेशन है जो मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए समझाया वो आपको वीडियो किस तरह से लग रहा है। तो आप कॉन्स्टेंट और वेरिएबल के बारे में अच्छा तरह से समझ गए होंगे, एल्जेब्रिक आई होप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को भी अच्छा से समझ गए होंगे। तो फाइनली हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का जो डिफिनेशन बनता है वो आपका क्या है कि एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड टू सम और ऑल ऑफ द बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन, मल्टीप्लीकेशन डिविजन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन। ठीक है बच्चों, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट और वेरिएबल, कॉन्स्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन हो और जो कि इन सारे ऑपरेशन के साथ कनेक्टेड हो। ऐसा नहीं है कि वो एक ही में एक्सप्रेशन में आपका सारे कनेक्टेड होंगे, ठीक वो कोई भी हो सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी एग्जांपल दिया था कि जैसे 6x^3/2 + 2x^-3, देखिए ये प्लस से आपके कनेक्टेड है, ये आपके जो है, आप जैसे यहाँ पर देखें ये मल्टीप्लाई से कनेक्टेड है ना। उसी तरह से मैं कुछ और एग्जांपल आपके लिए देता हूँ, देखिए यहाँ पर जैसे देखिए √3x है, 2x² + y³ है, यहाँ देखिए प्लस से कनेक्टेड है, 4/3x³ + 2y³/3/2 + z^5 एंड 2/x + y³। ये देखिए ये प्लस से आपके जो है, ये आपके प्लस से है, ये आपके प्लस से है, नेगेटिव में भी हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि प्लस से ही हो, नेगेटिव में भी हो सकते हैं। तो जैसे हम मैं एक एक्सप्रेशन राइट कर देता हूँ, 3x^-3 + 2x² + 6। ठीक है बच्चों, तो अगर इसमें अगर हम लोग माइनस फिर अगर लगा दें y² - z^5, तो ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनेंगे तो ये भी आपके जो है वो किस तरह से है, ऑपरेशन के साथ कनेक्टेड है, प्लस से माइनस से है ना, डिवाइड से भी हो सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन से भी हो सकते हैं, ये सारे से ऑपरेशन जब कनेक्टेड होते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग जो है देखते हैं पॉलीनोमियल का डिफिनेशन आपका क्या है। फाइनली हम लोग देखे पॉलीनोमियल्स में आगे हैं कि पॉलीनोमियल्स होता क्या है, पॉलीनोमियल्स क्या है आपका। तो पॉलीनोमियल्स देखिए यहाँ पर जो मैंने पिछले बताया वही चीज यहाँ पर आ गया, यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मैंने क्या बताया यहाँ पर कि कॉन्स्टेंट इंटू वेरिएबल रेशनल नंबर, यहाँ पर देखिए ध्यान से रेशनल नंबर, यहाँ देखिए रेशनल नंबर क्या है, 1/2 - 1 - 1.5 decimal, इस तरह के जो भी होंगे वो रेशनल नंबर होंगे। ठीक है, और रेशनल नंबर डिग्री पे रेशनल नंबर होने पे हम लोग किसको क्या कहते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, लेकिन अब हम लोगों का जो पॉलीनोमियल का डिफिनेशन है, तो पॉलीनोमियल का डिफिनेशन में यहाँ क्या कहा गया कि कॉन्स्टेंट इंटू वेरिएबल टू द पावर होल नंबर इक्वल टू पॉलीनोमियल। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए दोनों में डिफरेंस आपको नीट एंड क्लीन और बहुत ही सिंपल वे से मैं आपको समझा रहा हूँ और आपको अभी तक याद भी हो गया होगा कि हम लोग पॉलीनोमियल्स और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का डिफिनेशन क्या होगा, जनरली शॉर्टकट में आप राइट कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो होल नंबर है, ये होल नंबर को आप किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप लोग सब जानते हैं कि रिप्रेजेंट कैसे करेंगे होल नंबर्स को, होल नंबर्स को हम लोग 0, 1, 2 इस तरह से हम लोग प्लस से इन्फिनिटी तक हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताता हूँ कि होल नंबर को हम लोग नॉन नेगेटिव या नॉन इंटीग्रल भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा नॉन इंटीग्रल, नॉन इंटीग्रल मैं यहाँ लिख देता हूँ नॉन इंटीग्रल, तो ये नॉन इंटीग्रल भी इसको कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक, तो कॉन्स्टेंट इंटू वेरिएबल इज इक्वल टू पॉलीनोमियल। अब आपको समझ में आ गया होगा कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलीनोमियल में डिफरेंस क्या है, कॉन्स्टेंट इंटू वेरिएबल टू द पावर होल नंबर इज इक्वल टू पॉलीनोमियल, और आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है कि कॉन्स्टेंट इंटू वेरिएबल टू द पावर रेशनल नंबर इज इक्वल टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोगों का पॉलीनोमियल्स का जो डिफिनेशन है वो हम लोगों का क्या बनता है, हम लोगों का डिफिनेशन है कि एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच
डिग्री ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर इज नॉन एज पॉलिनोमियल। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का जो वेरिएबल है उसका डिग्री जब होल नंबर होगा तो उसको हम लोग पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है बच्चों, जैसा कि यहाँ पर मैंने लिख दिया 2x3, ये आपके पॉलिनोमियल है। जैसे मैंने और लिख दिया 6x टू द पावर, यहाँ पर मैंने लिख दिया 0, तो 0 भी जो है वो होल नंबर में ही आता है, इसलिए ये भी आपके जो है वो क्या होंगे, पॉलिनोमियल कहलाएंगे। और अगर मैंने लिख दिया यहाँ पर √2x² + 3x टू द पावर, यहाँ पर ऐसा लिख दिया 3x टू द पावर मैं देता हूँ 2 तो मैंने दे दिया है, तो मैंने यहाँ पर जैसे लिख दिया 3, तो ये भी एक आपके पॉलिनोमियल ही कहलाएंगे, ये आपको याद रखना है। लेकिन एक चीज और याद रखिएगा कि अगर हम लोगों का यहाँ पर इस तरह से रहे 2x³ / 3/2 + 2x, तो ये आपके पॉलिनोमियल नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, ये याद रखना है कि ये आपके जो है ये आपके पॉलिनोमियल नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों के रैशनल नंबर जो है वो 3/2 जो है वो आपके क्या है, ये आपके रैशनल नंबर है। 3/2 जो है वो आपके रैशनल नंबर है, तो 3/2 रैशनल नंबर होने से हम लोगों का जो है ये क्या होंगे, ये आपके रैशनल नंबर हो गए, और ये रैशनल नंबर है इसलिए ये आपके पॉलिनोमियल नहीं होंगे। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इसको हम लोग कर सकते हैं कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे। तो आई होप पॉलिनोमियल और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का डिफरेंस आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा, तो एक लाइक जरूर दे दीजिए। अब मैं कुछ पॉलिनोमियल्स के बेसिक डिफिनेशन पे रिलेटेड पे मैं कुछ आपको टॉपिक्स पे बात करूंगा। जैसे सबसे पहले हम लोगों का क्या है, टर्म्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये टर्म्स आपका कहां से आया, जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए कि यहाँ पर आपका जो ये पॉलिनोमियल है, ये जो देख रहे हैं पॉलिनोमियल, ठीक है, ये पॉलिनोमियल्स का मीनिंग आपका क्या होता है, यहाँ पर होता है, ठीक है, मल्टीपल करते हैं इसको। और यहाँ पर जो आपका नोमियल है, यहाँ से जो देख रहे हैं नोमियल, इसका आपका मीनिंग होता है टर्म्स, यानी बहुत सारा टर्म्स, तो उसी को हम लोग पॉलिनोमियल्स कहते हैं। तो मल्टीपल, पॉली और ये आपके टर्म्स होते हैं। इसी टर्म्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ये टर्म्स आपके क्या है। यहाँ पर टर्म्स का आपका जो डिफिनेशन है वो आपके बनते हैं कि द नॉन जीरो पार्ट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल सेपरेटेड बाय एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशंस आर कॉल्ड एज अ टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल। ये क्या चीज है, नॉन जीरो पार्ट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, ये क्या चीज सर आपने लिखा है, नॉन जीरो पार्ट्स ऑफ द पॉलिनोमियल जो सेपरेट करता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन से, इसको हम लोग पॉलिनोमियल कर रहे हैं। तो फिर मैं थोड़ा सा बैक आता हूँ और मैं दिखाता हूँ। जैसे आप यहाँ पर देखिए √2x² + 3x³ हो गया, तो यहाँ पर देखिए ये आपके ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, और यहाँ पर देखिए एक ऑपरेशन यहाँ यूज हुआ है प्लस का, तो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ, ये दोनों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन यहाँ पर प्लस के साथ आपका है, तो ये आपके जो है वो क्या हो जाएंगे, ये आपको हम लोग इसको क्या बोलते हैं, टर्म्स। इसमें कितने टर्म्स है, यहाँ पर 2 टर्म्स है, ये सिंगल है, ठीक है, तो ये आपके 1 टर्म्स है। मैं और कुछ दिखाता हूँ आपको, जैसे यहाँ पर ही लिखा हुआ है, ये भी 2 टर्म्स ही है, और मैंने यहाँ पर लिखा है, हाँ यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर देखिए एक टर्म्स यहाँ पर है, यहाँ पर एक टर्म्स है, यहाँ एक टर्म्स है, यहाँ एक टर्म्स है और यहाँ एक टर्म्स है, तो आप काउंट कर सकते हैं यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 है ना, तो इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 टर्म्स इस आपके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में है। इसी तरह इसको काउंट कीजिए, तो 1, 2, 3, 3 आपके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ पर है, टर्म्स कितने होंगे, 3 हो जाएंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ चुके थे, मैं इधर आ जाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो बेसिक टर्म्स के बारे में हम लोग टर्म्स पढ़ रहे थे, तो यहाँ पर नॉन जीरो पार्ट्स आपके क्या होंगे, मैं इसके भी कुछ एग्जाम्पल है। अब जैसे यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ लिखा 3x² + 2x², तो 3x² + 2x² इसमें हम लोग के 2 टर्म्स है, एक टर्म्स यहाँ है और एक टर्म्स यहाँ है, तो यहाँ पर कितने हो गए, 2 आपके टर्म्स आपके हो गए। ठीक है बच्चों, तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, इसी टर्म में अगर मैं इसको ऐसा राइट कर दू 3x² + 3x³ + 2x² + 0, तो इसमें कितने टर्म्स है, इसमें आपके नहीं 3 टर्म्स नहीं है बच्चों, आप गलत सोच रहे हैं, नॉन जीरो, इसीलिए तो इसे कहा गया ना नॉन जीरो पार्ट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, इसमें 0 आपके जो है वो आपके क्या होंगे, ये आपके नहीं ऐड होंगे, इसमें भी आपके जो है वो 2 टर्म्स ही हैं, याद रखिएगा, और नहीं तो इस तरह से तो 0 0 ऐड होते चले जाएंगे ना,
है ना, इसमें मैं और भी जीरो जो है वो ऐड कर सकता हूँ, इसमें और भी जीरो ऐड करते चला जाऊंगा तो क्या टर्म्स वो ऐड होते जाएंगे? नहीं, तो वो उतना ही टर्म्स होगा कितना भी जीरो होगा, इसीलिए यहाँ पर नॉन जीरो पार्ट्स ऑफ द पॉलीनोमियल कहा गया है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट हम लोग का क्या है, अब यहाँ पर देखिये यहाँ पर एक टेबल बनाया गया है, टर्म्स के बेसिस पे हम लोग पॉलीनोमियल्स को इस तरह से डिवाइड करते हैं। देखिये यहाँ पर, यहाँ देखिये वन टर्म्स है तो इसको हम लोग क्या कहें, मोनोमियल आपका हो गया, इसको हम लोग क्या कहेंगे, मोनोमियल। और यहाँ पर 7x² + 3x बाइनोमियल है ना, दो टर्म है, देखिए यहाँ पर केवल एक आपके पॉजिटिव है तो ये आपके कितना हो गए, ये आपके हो गए बाइनोमियल। ठीक है, 2x³ + 4x² - 18 तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर नेगेटिव साइन भी है और आपके पॉजिटिव साइन भी है, तो ये आपके कितने टर्म है, ये आपके 1, 2 और 3 थ्री टर्म्स है, इसीलिए इसको क्या कहा गया, ट्रिनोमियल कहा गया। ठीक है, और थ्री से अगर ज्यादा होंगे, मोर देन थ्री से अगर आपको ज्यादा रहे तो इसको हम लोग पॉलीनोमियल कहेंगे। तो आई होप आपको पॉलीनोमियल्स का बारे में बहुत कुछ नॉलेज आप लोगों को मिल गया होगा अभी तक, तो अगर अच्छा लगा तो जरूर मेरे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन जरूर हिट कर दीजिए। अब नेक्स्ट हम लोग का क्या है, कोएफिशिएंट। ठीक है बच्चों, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, कोएफिशिएंट पॉलीनोमियल्स का, ये बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आते हैं। कोएफिशिएंट क्या है कि ईच टर्म ऑफ ए पॉलीनोमियल हैज सम कांस्टेंट मल्टीप्लाई टू द वेरिएबल इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कि जैसे मैंने लिख दिया कि 7x³ + 32x² मैंने यहाँ पर राइट किया और प्लस यहाँ पर 1, ये आपके एक पॉलीनोमियल्स है। जब ये आपके पॉलीनोमियल्स हैं तो यहाँ पर कहा गया है कि ईच टर्म ऑफ ए पॉलीनोमियल हैज सम कांस्टेंट मल्टीप्लाई टू द वेरिएबल, वेरिएबल के देखिए ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है ना, ये दोनों मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। ठीक है, यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर भी देखिये, यहाँ पर x^0 है और हम लोग जानते हैं x^0 का वैल्यू भी कितना होता है, ये 1 होता है, तो ये 1 आपका ये होगा। अब इसको कोएफिशिएंट कहा गया। अब सपोज कीजिए किसी ने आपको यहाँ पर फाइंड करने के दिया कि कोएफिशिएंट ऑफ x³, यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x³ क्या होगा, तो देखिए x³ तो यहाँ पर ही ओनली, तो x³ तो यहाँ पर है, तो x³ के कोएफिशिएंट कितना हो जाएंगे, यहाँ पर 7 हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, कोएफिशिएंट ऑफ x³ कितना हो जाएंगे, यहाँ पर 7 हो जाएगा। अब सेम इसी तरह से यहाँ पर पूछा गया कि x² का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो x² का कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा, x² का कोएफिशिएंट 32 हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये याद रखिएगा कि कोएफिशिएंट ऑफ 7, अब 7 का कोएफिशिएंट पूछा जा रहा है तो 7 का मल्टीप्लाइड में कौन है, यहाँ पर ये 7 का मल्टीप्लाइड में है ये x³, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा x। एक एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे कोई एक क्वेश्चन है 2xy³ + 2xyz। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कोएफिशिएंट ऑफ, यहाँ पर x पूछा जा रहा है, तो x का कोएफिशिएंट हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से देखिए कि x का मल्टीप्लाइड में कौन है, 2y³ है, यहाँ पर राइट कर दीजिए 2y³, और हम लोगों का यहाँ पर x का सेकंड वाले में x का कितना है, 2yz है, तो यहाँ पर राइट कर दीजिए 2yz। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लोग कोएफिशिएंट को फाइंड आउट करते हैं। आई होप आपको कोएफिशिएंट के बारे में भी अच्छा से नॉलेज मिल गया होगा। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट हम लोगों का है डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल जो है वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो केवल आपके क्लास 9th के लिए नहीं, 10th के लिए, 11th के लिए, 12th के लिए, इन हायर क्लास के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल वो सभी के लिए आपका बेसिक चीज है, वो आपको नॉलेज होना ही चाहिए इसके लिए। तो ये क्या कहता है कि फॉर पॉलीनोमियल द हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज नोन एज द डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल। ठीक है बच्चों, जैसे कि अगर मैं एक इक्वेशन राइट करूं, यहाँ पर राइट कर देता हूँ 6x³ + 2x² + 5, और इसका डिग्री पूछा जा रहा है, इस जो भी पॉलीनोमियल्स गिवन है इसका आपका डिग्री पूछा जा रहा है कि इसका डिग्री क्या है, तो इसका डिग्री आपका क्या होगा, यहाँ क्या पूछा जा रहा है कि हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल का जो हाइएस्ट पावर है, यहाँ पर कितने वेरिएबल है, यहाँ पर एक वेरिएबल है, यहाँ पर एक वेरिएबल है। ठीक है, यहाँ पर तो आपका वेरिएबल है नहीं,
तो एक इन दोनों में जो डिग्री है, ये देखिए ऊपर में जो दिया गया है ये इसको डिग्री कहा जाता है, ये आपके डिग्री है, ये इसको हम लोग क्या कहते हैं डिग्री कहते हैं। लेकिन इस डिग्री में आपके ये जो है क्या कह रहा है हाईएस्ट, इसमें हाईएस्ट कौन है, ये आपके हाईएस्ट हो गए, तो यहाँ पर आपके क्या हो जाएंगे थ्री आपके आंसर हो जाएंगे, इसी को हम लोग कहते हैं पॉलिनोमियल डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ, 4/3 x^5 + 6 x^4 + 2 x^3 + 3 x + 3 x + इसको इरेज कर देता हूं मैं। अब ध्यान से देखिए, ये आपका 2x³ + 3x आपके ये हो गए। अब इसका अगर डिग्री पूछा जाए तो डिग्री आपके कितना होंगे, हाईएस्ट है तो इसमें 4 है, आपके 5 है, 4 है और 3 है, और आपके यहाँ पर कितना है, ये आपके 1 है, ये आपके हो गए हाईएस्ट डिग्री। तो ये आपके हो गए हाईएस्ट डिग्री, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इस आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पर आपके 5 हो जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर कहा गया है कि इन केस ऑफ पॉलिनोमियल विथ मोर देन वन वेरिएबल, अब कुछ पॉलिनोमियल है जिसके मोर देन वन वेरिएबल है, तो द सम ऑफ द वेरिएबल इन ईच टर्म इज टेकन एंड हाईएस्ट सम सो ऑब्टेन गिव्स द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ये सर आपने क्या राइट कर दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं एग्जांपल देता हूं बच्चों और उसके बाद आपको समझ में आएगा। एग्जांपल है 2xy³ + 3x³ + 2xy + 5, ये एक्सप्रेशन मैंने लिखा। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर हम लोगों का क्या है कि यहाँ पर 2 वेरिएबल है, x भी है और हम लोगों का y भी है, ये आप ध्यान से देखिएगा, x भी है और y भी है। यहाँ देखिए, यहाँ x और y दोनों है, यहाँ पर भी x y दोनों है, ये तो सिंगल है, तो इसके डिग्री 1 है, इसके भी डिग्री 1 है, यहाँ पर इसके डिग्री 3 है, इसके डिग्री 1 है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि द सम ऑफ द वेरिएबल्स इन ईच टर्म इज टेकन एंड हाईएस्ट सम सो ऑब्टेन गिव्स द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर देखिए, इन दोनों के सम करने से हम लोगों को 4 मिलेगा, ये आपके 3 है, और इन दोनों के आपको एड करने से हम लोगों को क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो इसमें से हाईएस्ट कौन है, हाईएस्ट हम लोगों के 4 है, तो ये हो जाएंगे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको समझ में आया, अब तो इस तरह से इसको अगर यहाँ पर सपोज कीजिए कि यहाँ पर 3 नहीं होता, इसको मैं 5 लिख देता हूँ, अगर 5 होता यहाँ पर, अगर 5 अगर मान ले ज्यादा होता तो भी यहाँ पर डिग्री जो है वो आपके 4 होते क्या, नहीं, यहाँ पर 5 ही होते, बट इसी कंडीशन में ये अगर कम होता तो फिर ये आपके डिग्री यहाँ पर हो जाएगी। तो आपको आई होप ये अच्छा से डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल समझ में आ गया होगा। एंड द कोफिशिएंट ऑफ x² इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x² + x³ - 6x + 2/3 x^5। आई होप आप लोग तो अब तक कोफिशिएंट और डिग्री आप लोग निकाल ही चुके होंगे, ये आप कमेंट्स कीजिए इसका आंसर, ठीक है बच्चों, आप लोगों को इसको कमेंट्स करना है, ये आप कमेंट्स करके बताइए कि इसका डिग्री क्या होगा, इसका डिग्री आपका क्या होगा और कोफिशिएंट आपके क्या होंगे, ये आप कमेंट्स कीजिए। और अगर आपको अच्छा लगा तो जल्दी से आप लाइक्स कर दीजिए, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे, ठीक है बच्चों। आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड करता हूँ, पूरा वीडियो कंप्लीट देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।